आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है। तो आज की वीडियो जो है ये भी बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत लोग हम लोगों से क्वेश्चंस करते हैं कि आपके पास इतनी सारी कैट्स हैं तो आप इनके हेयर को कैसे खत्म करते हैं, और हमारे अलावा जिन जिन लोगों ने कैट्स रखी है उन सबको ये इशू फेस करना पड़ता है कि कैट्स के हेयर जो है वो हर जगह लग जाते हैं। हमारे कपड़ों पे लगते हैं, हमारी बेडशीट्स पे, सोफास पे, कर्टन्स पे, हर जगह कैट्स के हेयर लग जाते हैं। और कैट्स रखने की वजह से हम लोग ब्लैक कलर के या डार्क कलर के कपड़े पहनना भी छोड़ देते हैं, और हमारे साथ तो ये है, हम लोगों ने तो ब्लैक कपड़े बहुत कम कर दिए पहनना। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग क्या करते हैं और आप क्या कर सकते हैं जिससे आप ये कैट्स के हेयर जो हैं आप अपने घर में से और चीज़ों से रिमूव कर सकते हैं। ओके, जो चीज़ें होती हैं जिससे हम बाल उतार सकते हैं, सबसे पहले तो आप लोगों ने ये वाला ब्रश देखा होगा, ये ऑनलाइन हर जगह से मिल रहा है कैट्स के बाल उतारने के लिए। एक इस ब्रश से उतारे जाते हैं, लेकिन मैं आपको इसका भी रिव्यू दूंगी कि इससे कैसे रिजल्ट मिलता है, 100% रिजल्ट इससे मिलता है कि नहीं मिलता। एक तरीका ये होता है, एक तरीका होता है कि हम लोग चौड़े वाली स्कॉच टेप यूज करते हैं, इससे भी बाल उतर जाते हैं और इससे बहुत अच्छे बाल उतरते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, एक वे ये होता है कि हमारे पास जो प्लास्टिक के ग्लव्स होते हैं, ये जो हम लोग किचन में यूज करते हैं बर्तन वगैरह धोने के लिए, इन ग्लव्स से भी बाल बहुत अच्छे उतर जाते हैं। अब ये जो तीन वे है ना, ये तो हम लोग यूज कर सकते हैं। अब इसके अलावा मैं आपको एक और ऐसा वे भी बताऊंगी बाल उतारने का, अगर आपके पास इन तीनों में से कोई चीज भी नहीं है ना तो आप फिर भी कैट्स के बाल उतार सकते हैं, और हम मोस्टली उसी तरीके से उतारते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, अब हम लोग आपको देते हैं डेमो हर एक चीज का, और ये ब्लैंकेट के ऊपर आप देख सकते हैं आपको बाल नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम यूज करेंगे इसके बारे, इसकी जो ब्रश है हम इसको यूज करते हैं। इसके ऊपर छोटे छोटे से ना माइक्रो ब्रिस्टल्स होते हैं, माइक्रो फाइबर जैसे क्लोथ होता है उस तरह का ये है। तो हम इसको देखते हैं कि इससे कितने परसेंट बाल उतरते हैं। जी ये देखें, अब इसको बार बार करने के बावजूद इससे कुछ हेयर तो उतर जाते हैं, लेकिन 100% बाल ये नहीं उतार सकता। ये देखें इसने कितने कम उतारे हैं, और बाकी इस ब्लैंकेट के ऊपर हैं और भी हैं। तो मेरे पॉइंट से अगर आप देखें तो ये इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है, ये बहुत ज्यादा बाल नहीं उतारता, लेकिन फिर भी आप सोफे वगैरह के लिए इसको यूज कर सकते हैं, कुछ हद तक रिमूव कर भी देता है। फुजैल के हाथ में ग्लव ही नहीं आ रहे उसको देखें। अच्छा, तो अब हम लोग इस जो ये प्लास्टिक ग्लव है इसके साथ बाल उतारते हैं। ये देखें इससे कितने अच्छे उतरते हुए आ रहे हैं सारे। इसको बस आपने हाथ में पहन के तो जरा जोर जोर से हाथ आपने फैब्रिक पे फेरने और इससे सारे बाल उतर जाते हैं आराम से। यहाँ रेड वाले पार्ट से करो, ये देखें मैं उतार उतार के रखता जा रहा हूं। ये ब्लैंकेट का कलर ऐसे आपको इतना नजर नहीं आ रहा, लेकिन इससे बहुत अच्छी तरह से बाल उतर रहे हैं। ये देखें, ये अब आपको नजर आ रहे होंगे। ओके, अब हम लोग चलते हैं थर्ड मेथड की तरफ, और थर्ड मेथड जो है वो है स्कॉच टेप के साथ बाल उतारना। कैट्स रख कर बालों का इशू तो होता ही होता है, और अगर आपने कैट रखनी है तो आप ये चीज अपने माइंड में रखें कि आपको इनके बालों से आप जो है ना वो बिल्कुल हमेशा के लिए आप फ्री नहीं हो सकते हो। और घर में कारपेट्स पे जो बाल लग जाते हैं या फ्लोर पे होते हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप कोशिश करें कि एक दफा वैक्यूम क्लीनर ले लें और वैक्यूम क्लीनर के साथ आप उसको रिमूव करें। अब इस तरह से फोल्ड करके फुजैल ने अपनी फिंगर्स पे टेप पहन ली है, और ये इस तरह पहनी है कि इसका जो स्टिकी साइड है वो बाहर की तरफ है। तो इससे आपने किसी भी चीज के ऊपर बाल लग गए हैं तो आपने उसको रिमूव कर लेना है, और इससे 100% बाल उतर जाते हैं। थोड़ा से उतारो और फिर दिखाते हैं। ये मैं सासर डोरा को भी तंग कर रहा हूँ, दिखाओ मुझे। ये देखिए डोरा के ब्लैक हेयर भी लगे हुए हैं इस पे। एक मिनट फोकस नहीं हो, ये देखें
इससे ये अब ब्लैंकेट पे इतने हेयर नहीं है और इसके ऊपर ही सारे हेयर आ रहे हैं, डोरा के ब्लैक भी आ रहे हैं। दो। तो ये बहुत अच्छा वे है, आप टेप के साथ रिमूव कर सकते हैं अपने कपड़ों से और हर जगह से अच्छा बाल। तो तीन मेथड्स आपको बता दिए और अब चलते हैं लास्ट मेथड की तरफ, जब आपके पास कोई चीज ना हो तो आप वो यूज कर सकते हैं। जी, मैं तो आप सबको यही प्रेफर करूंगा, इन तीनों को गोली मारें। किधर गया इन तीनों को? ये तो मुझे सख्त इनसे नफरत है। ये तो हमने आपको गाइड करने के लिए बताया, मैं तो ये काम करता हूँ देसी तरीका। ये देखें, ये किया और ये देखें, हल्का सा आपने हाथ को वेट करना है ये और देखें। हाथ को जैसे फेरते जाएंगे ना फैब्रिक पे, कोई कपड़े होंगे आपके या ब्लैंकेट होगा, मैं अपने कपड़ों से तो ऐसे ही साफ करता हूँ। ये देखें कितने ज्यादा उतर के आ रहे हैं। इससे तो कोई चांस रहता ही नहीं है ना कि कपड़ों पे बाल रह जाएंगे। ये देखें कितने सारे उतर गए हैं। इस साइड से उतार दो। अब हमारे कंबल पे असल में इतने बाल नहीं लगे हुए, क्योंकि हमने काफी सारे उतार भी दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखें हाथ से कितने अच्छे तरीके से उतर रहे हैं। ये देखें, मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये सबसे इजीएस्ट वे है। फिर बाद में जब आप उतार लें तो साबुन से या किसी भी चीज से अपने हाथ धो लें। ये देखें, सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। यहीं तक थी आज की वीडियो, इंशाल्लाह अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह डोरा भी कह रही है कि हाफिज। ये चीजें मत चूज करो, हाथों से उतारो। अल्लाह हाफिज।